পাচারের আগে স্থানীয়রা ধরে ফেললেন কন্টেনার বোঝাই গরু। গরু বোঝাই কন্টেনার গাড়ি ধরা পড়ল ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। গোরক্ষা কমিটির সদস্যরা মঙ্গলবার ভোররাতে এই কন্টেনার বোঝাই গাড়িকে আটকে দেন। অভিযোগ, বিহারের ঔরঙ্গাবাদে গরুর হাট থেকে গৃহপালিত গরুর নামে এই গরু কেনা হয়, কিন্তু পাচার হয় বাংলাদেশে। বীরভূম মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে এই গরু পাচার হয়ে যায়। ডাক পার্সেল বা ভারী জিনিসপত্র বোঝাই কন্টেনারের আড়ালে গাদাগাদি করে বহু গরু জাতীয় সড়ক ধরে বীরভূম হয়ে বাংলাদেশের পথে পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। গাড়িতে নেই কোনো জানলা, তাই ওপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, গাড়ির ভিতর রয়েছে গরু। পুলিশ প্রশাসন এদেরকে আটকায় না, তাই ধানবাদের বারবাড্ডার কাছে গরু বোঝাই কন্টেনার আটকে দিল গোরক্ষা কমিটির সদস্যরা। গাড়ি ধরা পড়তেই চালক ও খালাসি পালিয়ে যায়। পুলিশকে ডাকা হলেও রাতে তারা আসে না। গরু বোঝাই গাড়িতে দেখা যায় দু রকমের নাম্বার প্লেট, সামনে এক, আবার উল্টো দিকে অন্য। দু রকম নাম্বারের বিষয়টি লক্ষ্য করেন স্থানীয়রাই। প্রতিদিন এই রকম ভাবে গরু পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বারবাড্ডা থানার পুলিশ। জি বদলান, हम लोग को गुप्त सूचना मिला था कि आज एक हफ्ते से तकरीबन कई गाड़ियां रोज पार हो रही है अवैध तरीके से गाय लदी हुई, जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ प्रशासन बोलिए या जो बोलिए, कई बार प्रेस में भी आया लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आज सूचना मिला कि 3-4 गाड़ियाँ लगातार निकलने वाली है। हम लोग रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे, गाड़ी का नंबर मिला तो हम लोग ओवरटेक करके गाड़ी को रोके हैं। किस तरह से करते हैं पशु तस्करी लोग? तस्करी ये देख रहे हैं, अवैध रूप से कंटेनर पैक है और डाक पार्सल लिखा हुआ है इस पे, लेकिन अंदर में जानवर मवेशी भरा पड़ा है, अब बहुत सारा अनलिमिटेड, मतलब कोई भी दुधारू नहीं है। आप भी तो चढ़ के देखे ही, ये सारा जो है सूचना दी आप लोग प्रशासन को दिए, लेकिन अब हो सकता है रात का टाइम हो। प्रभारी साहब को ही बरवड्डा थाना प्रभारी को फोन किया, फोन उठाए नहीं, लास्ट में DGP कंट्रोल रूम में फोन करना पड़ा, कोई फोन पिक करता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम रहा हो, रात का बात है या जो भी है, फोन कोई पिक नहीं कर रहा है। पेट्रोलिंग अभी आई थी, हम लोगों के ऊपर ही छोड़कर चली गई, बोली आप लोग ही रुकिए, थाना प्रभारी आएंगे तो कोई कार्यवाही होगी। ये खेल किस तरह से चल रहा है जी रोड? ये अवैध रूप से, ये यहाँ से नहीं आता, बहुत पीछे से आता है, औरंगाबाद चौसा कई जगह से पता लगा है कि मेला लगता है वहाँ से। जो दुधारू पशु नहीं है उसको अवैध तरीके से लेकर, मेला से खरीद कर लेकर बांग्लादेश ये सब ले जाया जाता है काटने के लिए, वहाँ इनका वध किया जाता है। সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট, টাইমস বাংলা।